तो वेलकम गाइस, आज एक WWE के टैग मैच चालू होने वाला है और यहाँ पे सर्वाइवर मैच है। मैं आपको बता दूँ, ये सर्वाइवर सीरीज चालू हो रही है WWE की। तो पूरे पूरे लोग तैयार हैं, उत्साह से भरे पड़े हैं। ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट कर रही है अपने सपोर्टर को। आज देखते हैं ये आज का WWE का मैच कौन ले जाएगा। तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है आज कमेंट्री करने के लिए और लोगों में उत्साह भरपूर है। रेफरी टकला हमारा पता नहीं किधर देख रहा है, उरे ससुरे टीवी पे आ रहा है, कैमरे में देख ले। तो भाई लोग कुल मिला के बंदे आ रहे हैं और ये हमारे रोमन रेंग्स अपने लंबे लंबे केशों को ऊपर दिखाते हुए दिखा रहे हैं, टकले को पूरा पूरा चिढ़ा रहे हैं हमारे रेफरी भाई को। और ये आप बिल्कुल रस्सियों के ऊपर चढ़ चढ़ के अपनी बॉडी जितनी बनाई है सारी आज ही दिखा देंगे। अरे भाई थम जाओ थम जाओ, नीचे आ जाओ, लड़ाई वड़ाई करनी है, बॉडी नहीं दिखानी है। भाई लोग ये तीनों पूरा पूरा अपना संगठन बना रहे हैं, देखते हैं बाकी दूसरी टीम कौन से आने वाली है। अरे भाई मान गए, तुम्हारी टीम तुम जीत सकते हो, अरे बाकी को तो आने दो। भाई लोग पूरा पूरा तैयार, और देखते हैं इस मैच, बड़ा रोमांचक है और मैं भी और आप भी मिलके देखेंगे। और कुछ दिनों बाद भाई लोग लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाएंगी और भाई लोग पूरी पूरी जनता में उत्साह, भीड़ उमंगे चल रही है, पूरा शोर शराबा मच रहा है। अब देखते हैं नए खिलाड़ी कौन आते हैं। तो भाई लोग दूसरी टीम भी आ चुकी है, पूरा नाच गाना करके पूरा आप भोपू लेके आया, भोपू बजा रहे हो, पिज्जा लेके आता है। भाई जो पहले डिलीवरी बॉय में काम करता था तो यहाँ पे पिज्जा भी खिला रहा है। देखो देखो कैसे 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 डांस कर रहा है, उधर ससुरे टीवी पे आ रहा है, मान जा कैसा डांस कर रहा है, सारे चैनल बदल देंगे लोग। और ये पीछे हमारा देखे बिल्कुल ही भोपू लेके पता नहीं कहाँ से चुरा लाया, बैंड बाजे में काम करा करता था और आज पूरी पूरी मटर गश्तियाँ कर रहे हैं। तीनों के तीनों चड्डी बनियान पहन के यहाँ पे नाचा नूची कर रहे हैं। आज देखिए भाई लोग पूरा मजा आएगा, देखिए फाइट का पूरा रोमांचक होने वाला है। देखा देखा तैर रहा है, अरे साढ़े क्या पानी है क्या, ये कहाँ तैर रहा है। देखो भाई लोग ये इनका नाच गाना खत्म नहीं हो रहा, वो तीनों नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कर ले तू, तुम कर लो भाई, तुम अपना कर लो, फाइट तो चलती रहेगी। वो तीनों भी उतर चुके हैं और ये लड़ाई करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। देखो पूरा पूरा भोपू बजा रहा है, देखिए भोपू का शोर आपको सुनाई नहीं देगा, भोपू इसका साइलेंट वाला है इसलिए भोपू आपको सुनाई नहीं देगा। ये रोमन ने पूरा गुस्से में इनको देखते हुए कह रहा है साड़े का सर फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। तो भाई लोग मेरे हाथ में कंट्रोल आ चुके हैं। तो रोमन रेंग्स पहले ही मुक्केबाजी कर रहा था लेकिन फिर मुक्केबाजी खाने लग गया अचानक, और मेरे को लग रहा है कि ये कच्चे बनियान की टीम पावरफुल लग रही है, क्योंकि एक तो बॉडी इतनी ज़्यादा बना के आती है कि डर और लगता है। रोमन रेंग्स इनके सामने बच्चा लग रहा है जबकि बॉडी इसकी भी कम नहीं है। और ये देख घुसन पे घुसन और ये रस्सी के बीच पकौड़ा और तीनों ने पकड़ लिया और ये ताली मार के अंदर कह रहा है ससुरे बहुत मार लिया मैं मारूंगा। अब देखिए देखो दोनों मिल गए, अच्छा दोनों मार सकते हैं और ये दोनों कूद गए। देखो कूद गए डर के मारे, कूद गए, अगर मुंह मुंह पे पड़ जाएगी शांत बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे भाई साहब ने पूरा पूरा हाथ मरोड़ दिया, तोड़ देंगे शायद। आप पूरा पूरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। रोमन ने छूट गया और दे मुक्के पे मुक्का और इनके पूरे पूरे आज सुझा दिया है मुंह। और ये देखो फिर से ताली मार के दूसरा प्लेयर अंदर कर लिया। अब ये देखते देखते देखे उसको पकड़ के दे घुसन पे घुसन मार रहे हैं, देख कहीं भी मार रहा है भाई ससुरे, उसको मार ले कहाँ मार रहा है। भाई लोग पूरा पूरा मशीन से चालू कर दी मुंह पे रैप्टो की और रैप्टे पे रैप्टे मार के हमारा प्लेयर लौटा दिया है हमारा। ये देखे 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 तो भाई लोग पूरी फुर्ती के साथ अपना हाथ अंदर डाल के बहुत ही बेहतरीन पटकी दिया, घुमा के पटका मारा है। आप फिर से और तेरी पिछवाड़े पे लात, भाई साहब पूरा पूरा जूते पिछवाड़े पे मार के इसके पिछवाड़ा तोड़ने का प्रोग्राम है। ये पूरा मुंह मरोड़ दिया इसका, रेफरी को कह रहा तू हड़िया साढ़े तेरे टकला सर फोड़ दूंगा। तो रेफरी पीछे हट चुका है और ये पूरा हाथ मरोड़ा, इसका हाथ ही घर ले जाएगा, पता नहीं इसके हाथ के पीछे पड़ गया है।
हेलो फाइट का रोमांचक चल रही है। ये इसके लात को उठा लिया और वो भाई बहुत ही बढ़िया पटकी, इसका हाथ छोड़ गया, पैर के पीछे पड़ गया है। अब वह सारे शरीर से इतना लगा हुआ है इसके, तेरे को इसके हाथ पैर घल ले जाएगा क्या भाई लोग। भैया पैर तोड़ने के पीछे पड़ गया और दे लात पे लात, और इन्हें इसके पेट पर लात रखी, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी टांग तोड़ने का प्रोग्राम सेट कर दिया है। कह रहा है ससुरे टांग ही तोड़ दूंगा तो लड़ेगा कैसे भाई लोग। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी, आप ऊपर उठा के आगे धक्का, और ये और देख 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 दे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से फुर्ती के साथ नीचे कूद गया। आ रहा हूँ ससुरे, नीचे आ रहा हूँ फिर ऊपर जा रहा हूँ। अबे भैया क्या हो रहा है, लड़ाई करने को कहा तुम, यहाँ गेम खेल रहे हो भाई। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया इसका, और ये पटकी देने की कोशिश, आप पूरी पूरी पटकी और बैठा के बहुत ही बढ़िया तरीके से पीछे से लात मारी गई। रेफरी को साइड हटने की चेतावनी दिए जा रहे हैं लेकिन रेफरी मान नहीं रहा है। रेफरी के एक लात पड़ जाएगी जब ही शांत बैठेगा। भाई लोग एक प्लेयर तो ढेर कर दिया, नीचे गिर गया। अब ये दूसरा प्लेयर आ गया रोमन रिंग्स, अब फिर से इसको पटकी देने की कोशिश, और तेरी उछल के गिर रहा है भाई साहब। WWE नहीं चल रहा है, पिक्चर चल रही है पता नहीं कौन सी, उड़ उड़ के गिर रहा है। तो फिर से सर फोड़ दिया हमारे भाई का, और फिर से इसको 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 पूरा फुर्ती वाले बंदे की पूरी फुर्ती निकाल दी, बहुत मार रहा था। देखे आगे धक्का दिया और पीछे से कुछ नहीं, आराम से स्पीड स्लो कर ली, जबकि इसका मुंह तोड़ सकता था लेकिन तोड़ नहीं पाया। देखो गाइज मैंने क्या कर रखा है, इसके पीछे जो फाइटर्स का जो पावर आती है वो मैंने लगा रखी है। मैं सोचा था इसे हटा दूं, अगर आपको लगे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको हटा दूंगा अगले मैच से, ठीक है। अभी ये वाला मैच देखते हैं, अगला मैच जॉन सीना का होगा, अभी तो हम रोमन रिंग्स का मैच देख लेते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दिया भाई, रेफरी आ जा, 1 2 3 कौन करेगा, अच्छा 1 2 3 कर रहा भाई, 1 2 3 कर रहा, लेकिन सही टाइम पे जंपिंग जपाक करके अपने आप को बचा लिया। रोमन रैंक से दे मुक्का भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुक्का मारा इसने, और इस बार 1 2 और 3 नहीं हो पाया, उससे पहले ही जोश में उठ गया प्लेयर। तो मेरे को पता नहीं ये मैच कौन ले जाएगा। ये दूसरा बंदा भेज दिया है जेवियर वुड्स, भाई साहब ये लकड़ी काटा करता था, इसने नाम के पीछे ही जेवियर वुड्स लगा लिया। इसकी देखते हैं इसकी लकड़ी का उखाड़ते हैं या क्या करते हैं। ये बंदा बहुत ही बढ़िया मार रहा है, इसकी फुर्ती देख के मेरे को लग रहा है ये फुर्ती से ले जाएगा। इतने इतनी बेहतरीन बेहतरीन पटकी दी है, देखो देखो देखो, ऐसी नॉर्मल पटकी नहीं देता, प्लेयर को पता ही नहीं चलता पटकी किधर की साइड देगा, दूसरी साइड पटकी दे देता भाई। बहुत ही बढ़िया बंदा लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है बंदों को। और ये देखो देखो, अपने से बड़े लंबे चौड़े बंदे को ऊपर उठाने की कोशिश, लेकिन पीछे से रोमन रिंग्स गिर के पटकी दे दी, और कह रहा है कि दूसरे प्लेयर को बुला ले, उन्होंने दूसरा प्लेयर बुला लिया और ये जोश में आया। देखते जितना इसका जोश है, अब मार भी जोश की जोशीले तरीके से रहा है, अब पता नहीं ये गेम ले जाएगा कि नहीं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी कमर सीधी कर दी, कमर पे सीधा कमर के बल गिराया है और बिल्कुल लेटा दिया ढेर का। ओ भाई साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से कूदम कादी कर दिया है और बहुत ही बढ़िया पटकी दे रहा। अरे अरे कहाँ से सीख क्या भैया ये पटकी पुटकी, भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहा है ये लड़का, मेरे को तो बिल्कुल ही ये ज़बरदस्त लग रहा है, बिंदास लग रहा है। अब देखिए इसका दूसरा प्लेयर फिर से आ गया आराम करके, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, इनमें से कौन मारने आ रहा है कौन पीटने आ रहा है, भाई दोनों प्लेयर एक जैसे है, शकल वकल बाल वाल दोनों के सेम है। अब उसको भेज रहा है और ये देखा देखा वो बहुत ही बढ़िया मुँह पे लात, और इसके मुँह सुझा दिया भाई साहब, लात मारी है मुँह पे। अब देखते हैं रेफरी आता है, 1 2 3 हो पाएगा कि नहीं, और ये 1 2 3 नहीं हो पाया। ये इसका दूसरा प्लेयर पता नहीं कहाँ से कूद गया, वह साढ़े क्या हमें घर नहीं जाने देगा, मैच खत्म होने दे, 1 2 3 भी नहीं होने दिया और पीच में आके मैच रोक गया। और फिर से इसने जंपिंग मार के इसका पेट सुझा रहा है, कभी इसका हाथ तोड़ता कभी पैर तोड़ता कभी पेट तोड़ता है। अबे भैया क्या कर रहा है तू, WWE चल रहा है क्या चल रहा है, साले डॉक्टर ही करता था क्या तू, उसका ऑपरेशन करने का विचार में है क्या भाई साहब, इसे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर नहीं बन पाया तो यहीं पर सारे शौक पूरे कर रहा है, इसे समझ में नहीं आया हाथ का बनूं पैर का बनूं या पेट का बनूं डॉक्टर। अब दे 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 बिल्कुल ही बौखलाहट में कहाँ कूद रहा ससुर है, देख तो ले प्लेयर लेटा हुआ है कि खड़ा है। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्ले देख लेते हैं, रिप्ले नहीं देखेंगे, रिप्ले देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्ले मारी, क्या लात मारी है घूम के। ये भाई साहब ये WWE नहीं चल रही है, वो चल रहा है टेकन 3 गेम चल रहा है, ऐसी ऐसे करतबबाजी कर रहा है, ली बना बैठा ये ली। अब रेफरी को फिर से 1 2 3 का इशारा, और देखिए ये भाई ये मैच खत्म नहीं होने देगा, कभी इनका प्लेयर दूसरा आ रहा है कभी तीसरा आ रहा है। अबे साड़ो हमें तो घर जाने दो, तुम्हें टाइम नहीं है, तुम पे टाइम टाइम होगा बेचे, हमें तो घर निकलने दो भाई। लोग मान नहीं रहे, पूरी पूरी फाइट के बीच में आके फाइट रोक रहे हैं,
और ये तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और देखिए इन्हें घूमती हुई लात मार के फिर से इसका मुंह तोड़ दिया। देखिए भाई लोग, पता नहीं कौन मैच जीत जाएगा, अभी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चांस लग रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन लात, और लात सीधा मुंह पे, और मुंह बिल्कुल बत्तख बना दी, मुंह की पूरी बकरी बना दी गई हमारे चिंपांजी भाई की। बहुत ही बढ़िया तरीके जंपिंग जपाक कर रहा था, इसकी जंपिंग वम्पिंग सब तोड़ दी। अब गुस्से में देख रहा है, अब पता नहीं गुस्से में क्यों देख रहा है भाई, गुस्से में ना देख, उसको मार ले पीट ले। और भाई ये भी बहुत ही बढ़िया पटकी मारी है, सीधा रस्सी से मुंह मार के गला घोटने की तैयारी। अरे साढ़े सुसाइड मत करवा दियो, केस वेस हो जाएगा, फिर दिक्कत में आ जाएगा। तो भाई लोग फिर से इसको मार रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। भाई मेरे को लग रहा है रोमन रेंग्स अब गुस्से में आ चुका है, अब ये जीत सकते हैं, अब ये जीत सकते हैं। रोमन रेंग्स तो वहाँ बैठा हुआ है, ये दूसरा बंदा भाई लोग, एक पे सबके एक जैसे बाल बाल से, समझ में नहीं आता कौन कैसा। अबे उठ जा, अबे क्या यार सोने के लिए पैसे लिए हैं क्या भाई लोग। ये पटकी पे पटकी दे रहा है, 1 2 3 अब हो जाए तो हो ही जाना चाहिए, बीच में इनके प्लेयर आ जाते हैं। ओ भाई लोग तीनों, अबे तीनों कैसे आ गए, अच्छा पटकी देने के विचार में। ओ देखो देखो तीनों बंदे देखो इसकी पटकी दे रहे हैं, देखो देखो उन्हें छोड़ दे, पूरा छोड़ दे बेचे। अरे भैया अब नहीं छोड़ेगा, और इसकी कमर फिर से सीधी कर दी। तीनों के तीनों गुस्से में लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है अब ये 1 2 3 कर देगा। रेफरी भी तैयार टकला, और भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 2 3 नहीं, हार नहीं मानना लड़का, लड़का जोशीला हो रखा, अब बिल्कुल खौफनाक हो रखा, कह रहा है कि ऐसे हार नहीं जाऊंगा। भाई लोग हार नहीं मान रहे, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच को निकाल लिया, और किसी को कुछ नहीं पता कौन मैच ले जाए। लो आप और हम पूरा पूरा मैच देखेंगे, अब देखेंगे कौन सा खिलाड़ी कौन सा मैच ले जाता है। अब देखिए इनका नया खिलाड़ी आ गया है, अब वो आराम करेगा, अब ये जाएगा। अबे आराम भी आराम से नहीं कर रहा, कूदा फांदी कर रहा है, कूदा फांदी कर रहा तो मार ही लेता, क्यों अपने दूसरा प्लेयर को बुला रहा, उसे आराम से खड़ा होने देता बेटा, थोड़ा बहुत देर आराम नहीं कर सकता था क्या भाई लोग। अब ये देखते हैं, मेरे को लग रहा है ये लास्ट हो सकता है, अगर ये किसी तरीके से इसको टैग कर देते हैं, 1 2 3 हो जाता है तो ये जीत जाएगा। अब देखते हैं कौन किसको पिन करेगा। भाई पूरे पूरे खिलाड़ी के साथ साथ हमारे ऑडियंस भी उत्साह में, और भाई लोग आप भी उत्साह में होंगे। देखिए मैं भी मैच देखने को बिल्कुल व्याकुल हो रखा हूँ, देखते हैं पता नहीं कौन ये मैच ले जाएगा। उसकी छाती तोड़ रहा है, अबे कभी छाती तोड़ रहा है कभी हाथ तोड़ रहा है, ये नहीं मान रहे, पता नहीं क्या इनको क्या हो रहा है। भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से उसके मुंह पे कोनी मार के लिटा दिया, इसको सीधा कर दिया, इतनी तगड़ी बॉडी बना लेता तब भी ऐसे पड़ा हुआ है। अबे क्या है कि तेरी बॉडी बेटे, बॉडी बनाने से खेल नहीं है, वो तेज से चूसा सा माना, वो तेज से बढ़िया खेल रहा है। अब देखो उठ गया, वो उठ गया और फिर से पटकी दे दी। भाई इसको उठने का कोई मौका नहीं दे रहा, इसको लाल जूते जो पहन के आया है, इसको इसके मुंह से भी खून निकालेगा लाल लाल। अब देखते हैं, देखो देखो गुस्से में आ गया, इसने पीछे पटक दिया है। अब ये जिसके पीछे था पीछे पटकी दे रहा है, देखो देखो वो भाई क्या उड़ता हुआ गिर रहा है। ये WWE नहीं चल रहा भाई, पता नहीं ये कौन सी पिक्चर चल रही है, इसमें साउथ की पिक्चर चल रही है, उड़ उड़ के गिर रहे हैं बताओ। अब ये भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से सर सीधा पेट में मारने की कोशिश, लेकिन वो हट गया और इसको सुझा दिया, देखो लाश की तरह पड़ा हुआ बिल्कुल ढेड़। अब फिर से उठा लिया है, और अब ये फिर से देखो देखो सर से सर बाजी, अरे भैया मुक्केबाजी सुनी थी, सर बाजी कर रहा है, पूरे पूरे सर उखाड़ रहा है उसको अपने सर से, और ये पूरा लिटा दिया, फिर से कमर सीधी। अब देखते उठने का मौका देगा कि नहीं। अब भाई लोग ये लास्ट पिन लगता है, अगर ये पिन हो जाता है तो ये मैच जीत जाएंगे। अब पता नहीं ये पिन होगा कब, ये अभी तक तो हम भी देखे, अब ये पिन होने वाला है, 1 2 और ये फिर से कूद के बच गया, और ये वो देखो देखो पीछे से वहाँ 1 2 3 पिन चल रहा था, वो पीछे से पटकी दे के बच गया। अबे भैया क्या हो रहा है, ये रेफरी कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, तुम में से एक प्लेयर पटकी देगा, तुम दो नहीं दोगे तो पिन करने आया ही नहीं। अब देखते हैं, ये देखे मशीन फिर से चालू कर दी इसने अपनी, और ये गुस्से में बिल्कुल ऑडियंस को कह रहा है मार दूंगा सर फोड़ दूंगा। अब पता नहीं क्या कर पाएगा, लेकिन पीछे से पटकी दे दी उसने, वो भी बिल्कुल कच्चा नींबू नहीं है पक्का नींबू हो रखा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पटकी दी गई उसने भी। अब ये देखते हैं क्या करना है, ये रस्सी के बल इसको लेटा दिया है, और इसको ये उस टाइम पे बिल्कुल बैक मूव करके वापस हट गया, और बहुत ही बड़े तरीके से लात मारी है, और फिर से ढेर कर दिया, फिर से कमर सीधी कर दी है। अब देखते हैं लास्ट पिन है, ये टैग करेगा कि नहीं। टैग कर दिया, रोमन रेंग्स आ चुके हैं अंदर, रोमन रेंग गुस्से में देखते हुए देखो देखो पूरा पूरा अपनी खौफनाक मंजर दिखा रहे हैं, फिर से पटकी देने की तैयारी, फिर से दोनों ने उठा लिया है। अब रोमन रेंग्स भी पटकी देगा, और देखो देखो कहाँ उसे कहाँ बिठा लिया उसको, भैया कहाँ कौन सी सीट दे रहे पता नहीं।
कहाँ भैया क्या वो क्या मंत्री है उसको वहाँ बिठाओ के सीट दे रहे हो, तो वहाँ पे बिठा के ऊपर से गिराएंगे उसकी पूरी कमर का पूरा कचूमा निकालने की तैयारी। तो भाई लोग ये आप लोग घर पे ट्राई ना करें, कभी अपने भाई भाई के साथ पटकी पुटकी देने लगे, क्योंकि भाई लोग ये पूरी प्रैक्टिस से आते हैं। तो 1-2 और ये 3 भाई लोग बहुत ही बढ़िया मैच, नहीं कुछ मैच नहीं भाई लोग, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पटकी दी गई थी, लेकिन एट द एंड हमारे रोमन रेंग्स पीछे से आके इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच को अब बनाने का तैयारी। भाई लोग मेरे को इनकी करतबबाजी देख के बहुत बढ़िया लगा, आप रिप्ले में भी देख सकते हो इनकी करतबबाजी, इन्होंने क्या घूम घूम के लात मारी है, इससे तगड़े रिप्ले नहीं थे। मेरे को लगा ही नहीं मैं WWE देख रहा हूँ, मेरे को लगा कि मैं WWE नहीं, मैं ये टेकन 3 देख रहा हूँ। और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच निकाल के ले गए हमारे रोमन रिंग्स, अभी भी चैन नहीं है, पूरा पूरा सब कुछ चिल्ला चिल्ला के जोश में बुला रहे हैं। और भाई लोग आज का मैच ख़त्म करते हैं और विनर होते हैं हमारे रोमन रिंग्स की टीम। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही मैं आपको मिलता रहूँगा।